could you ever love me? You don't even see me. Hi everyone, I'm Jay. I'm a fitness professional and a natural bodybuilder. दोस्तों आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है और आज हम बात करने जा रहे हैं नेचुरल बॉडी बिल्डिंग फिटनेस या एक अच्छी बॉडी कैसे पा सकते हैं उसके बारे में. सो गाइस, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एक अच्छे बॉडी बनाने के लिए एक अच्छा प्लानिंग, एक्सरसाइज, डाइट और रिकवरी की जरूरत होती है. एट द सेम टाइम हमें ये भी जानना है कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ बॉडी. ओके, थ्री बॉडी टाइप्स. वन इज एंडोमॉर्फ, वन इज मेसोमॉर्फ, वन इज एक्टोमॉर्फ. और आपको ये पता करना है कि आप तीनों में से कौन से कैटेगरी में हो. एंडोमॉर्फ वो बॉडी टाइप होते हैं जो बल्की बॉडी होते हैं, हैवी बॉडी होते हैं, राइट? फॉर एग्जांपल, अगर किसी का हाइट 5'7" है और उनका बॉडी वेट है 100 kg, 110 kg, दे फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ एंडोमॉर्फ. मेरे पास कभी कभी ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि सर मैं तो कुछ भी खाता हूँ तो लग जाता है, इनफैक्ट अगर मैं पानी भी पीऊँ तो मेरा वेट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, राइट? बट एवरीथिंग हैव गॉट अ सॉल्यूशन विद द प्रॉपर प्लानिंग. सेकेंड होता है मेजोमॉर्फ. मेजोमॉर्फ वो लोग होते हैं जिसका मीडियम बॉडी होता है, अच्छा खासा बॉडी होता है, ठीक है? फॉर एग्जांपल 5'7" है और उसका बॉडी वेट है फॉर एग्जांपल 70 kg और समथिंग. लेकिन अगर उसका लाइफस्टाइल ख़राब हो, ईटिंग हैबिट ख़राब हो, बहुत ही जल्दी उनका बॉडी बिगड़ सकता है और एंडोमॉर्फ बन सकते हैं. और एक्टोमॉर्फ वो होते हैं जो बहुत ही पतले होते हैं. फॉर एग्जाम्पल 5'7" है लेकिन उसका बॉडी वेट है 50 kg, 51 kg, जो बहुत ही वीक फील करते हैं, कुछ भी पहनो तो ढीला ढाला लगता है, दैट्स एक्टोमॉर्फ. सो दीज आर द थ्री बॉडी टाइप्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना है कि आप कौन से बॉडी टाइप कैटेगरी में पड़ते हो. ओके, सो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी. सो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फिर हम प्रोसीड करते हैं इसके रिगार्डिंग. सो गाइज, एज ए लेमैन, जब भी हम कोई मूवीज़ देखते हैं या कोई फिट बंदा देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल ड्वेन जॉनसन की मूवी देख रहे हैं, टाइगर श्रॉफ, ऋतिक रोशन की मूवी देख रहे हैं, तब हम सोचते हैं कि गाइज कि हमारे बॉडी कब बनेंगे ऐसे, यार ऐसे तो सालों लग जाएंगे, पता नहीं क्या क्या यूज़ करना पड़ेगा, स्टेरॉयड यूज़ करना पड़ेगा या बहुत सारे डब्बे लेने पड़ेंगे. सबसे पहले आपको ये समझना है कि आपको बॉडी चाहिए कैसा. ओके, इसको भी हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं. पहला कैटेगरी है वो बॉडी इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि वो फिट दिखे, राइट? ताकि वो टी शर्ट पहने तो उनको अच्छा लगे, ताकि वो जीन्स पहने तो उनको अच्छा लगे, सबको अच्छा लगता है ना? तो एक नॉर्मल बॉडी बनाना ताकि उसको एक नॉर्मल लाइफस्टाइल लीड करने में अच्छा लगे. सेकंड वो होते हैं जो फिटनेस फ्रीक्स, फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत मैराथनर है या फुटबॉल प्लेयर है, उनको फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है, क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, या वो रोनाल्डो को देख रहे हैं और उनको बॉडी चाहिए रोनाल्डो की जैसे, तो वो फिटनेस कैटेगरी में फॉल करते हैं. और थर्ड कैटेगरी है बॉडी बिल्डर्स और फिटनेस प्रोफेशनल्स. अगर आप देखेंगे फॉर एग्जांपल आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर या आप ड्वेन जॉनसन, दे आर बॉडी बिल्डर्स और उनका प्रोफेशन ही ऐसे होते हैं कि उनको स्टेरॉइड्स की यूज़ की जरूरत पड़ते हैं, राइट? सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन. पहले स्टार्ट करते हैं जो बेसिक बॉडी चाहिए जिसको. फॉर एग्जाम्पल अगर आप वर्किंग है तो सबसे पहले आपको ये करना पड़ेगा कि आपको दिन के एक घंटा टाइम निकालना पड़ेगा. ओके, वर्कआउट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू नीड टू लुक आफ्टर योर डाइट कि आप क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं, बिकॉज हमें अपना कैलोरी चेक करना है, हमें प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा करना है और ऑल्सो द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का भी हमें ध्यान रखना है. सो बात करते हैं तीन कैटेगरीज की. सबसे पहले हम ले लेते हैं एंडोमॉर्फ की. सो मान लीजिए आपका वेट 100+ kg है और आप एक अच्छे बॉडी पाना चाहते हैं, तो दिन के एक घंटा आप निकाल लीजिए. उसके बाद आप अपना पूरा डाइट को चेक कीजिए, एक डाइट लिस्ट बनाइए. आप सुबह से शाम तक बेड जाने तक, जब तक आप सोते हैं तब तक क्या क्या खाते हैं उसके लिस्ट तैयार कर लीजिए, ठीक है? आपको अपना कैलोरी चेक करना पड़ेगा, अपना लाइफस्टाइल चेक करना पड़ेगा. और अगर आपने अभी तक वर्कआउट स्टार्ट नहीं किया है तो आप स्टार्ट कीजिए ब्रिस्क वॉकिंग से या रनिंग से. ओके, और बेसिक प्लैंक से, और ट्राई टू गो फॉर द एलिवेटेड पुशअप्स. ओके, इन दिस वे यू कैन स्टार्ट, बट यू मस्ट स्टार्ट. ओके, अगर आपको पाना है एक अच्छा बॉडी तो आपको अभी स्टार्ट करना पड़ेगा और टाइम कैसे भी आपको निकालना पड़ेगा. ओके, डाइट प्लेज ए मेजर रोल. एट द सेम टाइम बिना एक्सरसाइज के सिर्फ डाइट से बॉडी नहीं बन सकता, क्योंकि मैंने काफी बार देखा है कि लोग सिर्फ डाइट से करने की कोशिश करते हैं, बट एट द सेम टाइम सम पॉइंट ऑफ टाइम आपका बॉडी में सेगिंग आना स्टार्ट हो जाता है अगर आप अच्छे से वर्कआउट ना करें तो. ओके, सो इसको स्टेप बाय स्टेप आपको प्लान करना पड़ेगा. सो सेकेंडली, इफ आई टॉक अबाउट द मेजोमॉर्फ, द सेकेंड बॉडी टाइप, जो मेजोमॉर्फ होते हैं उनका बॉडी नॉर्मल होता है लेकिन उनका लाइफ स्टाइल हो सकता है कि वो बहुत ही बिजी हो या बहुत गंदा खाता हो, बाहर का खाता हो,
है ना, और उसका बॉडी नहीं बन पा रहा है और दिन ब दिन उसका बॉडी बिगड़ते जा रहा है. तो अगेन आई विल से, जैसे कि मैंने एंडोमॉर्फ में भी बताया कि आपको डाइट का और आपको एक्सरसाइज का ध्यान रखना पड़ेगा और आपको हर दिन एक घंटा निकालना पड़ेगा एटलीस्ट 5 to 6 days a week. ओके, एंड फॉर द मेसोमॉर्फ इट्स वेरी इजी फॉर यू टू मेक ए गुड बॉडी. ओके, क्योंकि आपको उतना टाइम नहीं लगेगा जितना एंडोमॉर्फ को लगेगा. ठीक है, तो डायरेक्टली जंप, गो फॉर इट. ओके, विदाउट एनी हेजिटेशन. एंड लेट मी टेल यू, इफ यू आर नॉट ए बॉडी बिल्डर और फिटनेस प्रोफेशनल, यू डोंट रिक्वायर स्टेरॉइड. ओके, यू डोंट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ द अदर थिंग्स. जस्ट फुलफिल योर बेसिक डाइट, बेसिक प्रोटीन एंड एवरीथिंग, एंड यू कैन मेक ए गुड बॉडी. ठीक है, सो नेक्स्ट लेट्स गो फॉर द अदर वन, एक्टोमॉर्फ. ओके, एक्टोमॉर्फ की बात कर लेते हैं. तो एक्टोमॉर्फ को एक अच्छे बॉडी पाने के लिए डेफिनेटली उनका डाइट पे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा. एंड यस, आप हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग कीजिएगा. डोंट डू रनिंग कार्डियो एक्सरसाइजेस, बिकॉज रनिंग कार्डियो एक्सरसाइजेस वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके बॉडी को और सुखा देगा. सो आपको पुशअप्स, पुलअप्स से स्टार्ट करना है अगर आप बिगिनर हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, जस्ट गो टू द जिम एंड ट्राई लर्निंग न्यू एक्सरसाइजेस. धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट कीजिए, लेकिन हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग करके अपने मसल को गेन करना स्टार्ट कीजिए. ठीक है ना. सो नाउ ये हो गया एक बेसिक बॉडी टाइप की. नेक्स्ट, फिटनेस फ्रीक्स. ओके, काफ़ी लोग होते हैं फिटनेस फ्रीक्स होते हैं, जो मैराथनर होते हैं उनको रनिंग बहुत पसंद है, किसी को फुटबॉल बहुत पसंद है, किसी को क्रिकेट बहुत पसंद है. तो डेफिनेटली गाइस, इन ऑर्डर टू प्ले ऑल दिस थिंग, यू नीड फिटनेस, यू नीड डाइट, और आपको एक अच्छा हेल्थ चाहिए. अगर आपका अच्छा हेल्थ नहीं होगा तो आपका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं होगा. सो आपको क्या करना है, अगेन डाइट चेक कर लीजिए. डाइट में प्रोटीन है या नहीं, जितना आपको कैलोरी चाहिए, जितना एनर्जी रिक्वायरमेंट है परफॉर्मेंस व्हेन यू गो टू द फील्ड, वो आपका है या नहीं, विटामिन्स अप्रोप्रिएट है या नहीं, वो चेक कीजिए. दिस थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, बीइंग ए फिटनेस फ्रीक, फॉर एग्जांपल, अगर आप एक अच्छा प्लेयर बनना चाहते हैं, ओके, यू नीड टू गो स्टेप बाय स्टेप. फॉर एग्जांपल, अगर आप मान लीजिए आपको जिमिंग करना अच्छा लगता है और फिटनेस फ्रीक है, फॉर एग्जांपल, अगर आप 100 पुशअप कर रहे हैं और आपका टारगेट है कि मैं किसी दिन आई वॉन्ट टू डू 1000 पुशअप्स, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, 1000 पुशअप्स ए डे, इट इज पॉसिबल गाइस. एनीथिंग इज पॉसिबल बिकॉज देयर इज नो लिमिटेशन. ओके, बट द ओनली थिंग विच यू नीड टेक केयर इज योर डाइट, योर रेस्ट, और क्या वो आप एक्सरसाइज एक प्रॉपर प्लानिंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. ओके, इस चीज़ का बहुत बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि आप जब भी एग्रेसिव प्लेइंग करते हैं, अगर आप फुटबॉल खेल रहे हैं, इट्स ए कार्डियो रिलेटेड एक्टिविटी जहाँ पे बहुत आपका मसल लॉस होता है ना, डिहाइड्रेशन होती है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा उस मसल रिकवरी के लिए आप प्रोटीन अप्रोप्रिएट ले रहे हो या नहीं ले रहे हो. ओके, अच्छे से अपने आप को हाइड्रेट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, अपना डाइट पे अपने विटामिंस इंक्लूड कर रहे हैं नहीं कर रहे, जितना एनर्जी चाहिए आप उतना एनर्जी इनटेक कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये सारी चीज़ों का आपका ध्यान रखना पड़ेगा. ओके, नाउ लेट्स गो फॉर द अदर टाइप, बॉडी बिल्डर्स फिटनेस प्रोफेशनल. तो लेट्स सी, फॉर एग्जाम्पल, बॉडी बिल्डर्स कौन बनना चाहते हैं, वही बनना चाहते हैं जिसका एक मीडियम बॉडी टाइप हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई फॉर एग्जाम्पल एंडोमॉर्फ नहीं है, एक्टोमॉर्फ नहीं है, लेकिन वो एक नॉर्मल बंदा है जिसका 5'7" हाइट है, जिसका बॉडी वेट 70 kg है, लेकिन ही वॉन्ट्स टू बी अ बॉडी बिल्डर एज ए प्रोफेशन, उसको प्रोफेशन चाहिए या फिटनेस प्रोफेशनल बनना है, तो उस कैटेगरी में अगर आप चाहे तो आप एक नेचुरल बॉडी बिल्डर बन सकते हैं. बेसिक प्रोटीन सप्लीमेंट लेके, बेसिक डाइट फॉलो करके, अच्छा एक्सरसाइज करके, रेगुलर ट्रेनिंग करके, यू कैन बी ए नेचुरल बॉडी बिल्डर. बट इफ यू वॉन्ट टू बी ए प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हु वुड लाइक टू कम्पीट लाइक मिस्टर ओलंपिया, या आप जेराई क्लासिक खेलना चाहते हैं, या क्लासिक बॉडी बिल्डिंग खेलना चाहते हैं, एट दैट टाइम डेफिनेटली आपने देखा होगा कि हाँ, दे टेक्स स्टेरॉइड्स. और अगर आप स्टेरॉइड्स लिमिटेशन के साथ लें तो ये हानिकारक नहीं है. ओके, इफ यू नो अबाउट स्टेरॉइड्स इफ यू आर टेकिंग, इतना हानिकारक नहीं है, लेकिन अगर आप अब्यूज करोगे तो डेफिनेटली ये हानिकारक है. एट द सेम टाइम, आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम रिकमेंडिंग स्टेरॉइड टू यू, नो, बिकॉज आई एम ए नेचुरल बॉडी बिल्डर, बट ऑल्सो आई रिस्पेक्ट दोज पीपल हु यूज स्टेरॉइड्स एंड हु डू बॉडी बिल्डिंग बिकॉज इट्स देयर प्रोफेशन. वो उनका प्रोफेशन है, वो उनका डिमांड है, तभी वो स्टेज पे कम्पीट कर पाएंगे इंटरनेशनली. बिकॉज बंदा अगर इंडिया का US में कम्पीट कर रहा है तो उनके लेवल का बनना तो पड़ेगा ना, है ना. लेकिन इफ यू आर ए नेचुरल बॉडी बिल्डर लाइक मी, बिकॉज जब मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया था तब मैं एक्टोमॉर्फ था. ओके, मैं पतला सा बंदा था उस वक्त, तो मैंने पुशअप्स, पुलअप्स इन एक्सरसाइज से स्टार्ट की थी, और मैंने सोचा था कि मैं स्टेरॉइड्स नहीं लूंगा, मैं अगर बन सकता हूँ तो फ्यूचर में एक नेचुरल बॉडी बिल्डर बनूंगा. एंड डेट्स व्हाट आई वांट टू बी टिल फादर, आगे भी मैं ऐसे ही करना चाहूंगा. सो दिस इज माई रिकमेंडेशन, कि पहले आपको ये पता करना है कि तीन बॉडी टाइप में से एंडोमॉर्फ के लिए
मेजोमॉर्फ के लिए, एक्टोमॉर्फ के लिए क्या वर्कआउट प्लानिंग होनी चाहिए, क्या डाइट प्लानिंग होनी चाहिए, इसके लिए आपको ये पता चलेगा आपका बॉडी कंपोजिशन एनालाइज से। BCA के बारे में आपने सुना होगा, BMI, BCA, बॉडी कंपोजिशन एनालाइज से आपको बॉडी में फैट कितना है, मसल कितना है और क्या क्या करेक्शंस करनी है उसका आपको पता चलेगा। ओके, ऑलराइट, सो नेक्स्ट फिटनेस फ्रीक्स के लिए मैंने ऑलरेडी बोल दिया है कि फिटनेस फ्रीक्स डेफिनेटली दे आर ऑलरेडी फिट समहाउ, बट यस दे नीड टू टेक केयर ऑफ लाइक मसल लॉस, दे नीड टू टेक केयर ऑफ डिहाइड्रेशन, कहीं बीमार ना हो जाए, उनका फिटनेस लेवल मेंटेन हो, अच्छा डाइट, अच्छा वर्कआउट, अच्छा एक्सरसाइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यस एंडोमॉर्फ के लिए यू गाइस नीड टू डू कार्डियो, यू नीड टू टेक केयर वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली डाइट, बहुत अच्छा ध्यान रखना पड़ेगा डाइट का, उसका भी काफी अच्छे से ख्याल रखिएगा, ठीक है ना। एंड यस नेचुरल बॉडी बिल्डर, इट इज पॉसिबल गाइस, इट इज वेरी वेरी पॉसिबल। आप डाइट लो अच्छे से, आप एक्सरसाइज करो रेगुलरली, ओके, अपने लिए टाइम निकालो, डेफिनेटली आप अचीव करोगे। और जैसे कि मैंने बोला, आप एक महीने में रिजल्ट देखना स्टार्ट करोगे, पुशअप करो, पुलअप्स करो, प्लैंक करो, अच्छा डाइट लो, प्रोटीन लो एट द सेम टाइम। हाँ, काफी लोग मुझसे ये भी बोलते हैं कि यार मैं प्रोटीन पाउडर नहीं लूंगा, ये तो गलत है। प्रोटीन पाउडर गलत नहीं होता, प्रोटीन सप्लीमेंट वो आपका डाइट की प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि हम बार बार चिकन नहीं खा सकते, हम बार बार एग्स नहीं खा सकते, तो वही चीज़ जो हमें रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, दैट्स प्रोटीन सप्लीमेंट, इट्स कम्स अंडर नेचुरल बॉडी बिल्डिंग। ओके, जैसे और मैं और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, सप्लीमेंटेशन की भी आप तीन कैटेगरीज आप डिवाइड कर सकते हैं। वन इज डाइटरी सप्लीमेंट, जो होता है आपका वेट गेनर प्रोटीन सप्लीमेंट। सेकेंड इज एर्गोजेनिक एड, जिसमें पड़ता है आपका BCAA, क्रिएटिन, ग्लूटामाइन। थर्ड होता है आपका स्टेरॉइड्स। सो यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट हाउ यू वांट टू डू एंड व्हाट यू वांट टू डू। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं, आप डेफिनेटली कमेंट्स में डालिए, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। और प्लीज स्टे कनेक्टेड टू माय चैनल, आप उस पर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर ये टॉपिक अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज शेयर इट। आई वांट टू स्टे कनेक्टेड विद लॉट्स ऑफ पीपल एंड मैं उनको एनकरेज करना चाहूंगा कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग definitely helps you, it's a long term result, okay? अगर आप naturally एक body को achieve करते हैं, ये long term result है। अगर आप बीच में कुछ दिन के लिए छोड़ भी जाएं तो आपका body खराब नहीं होगा, ठीक है? अच्छा diet, अच्छा exercise, recovery, it will definitely make it possible, okay? So go for it, right now, you start your workout right now, there is no time कि हम future में कर लेंगे, lockdown के बाद कर लेंगे, उसके बाद कर लेंगे, ऐसे कुछ नहीं होता। COVID के बाद कर लेंगे, ऐसे कुछ नहीं होता। जहाँ हो, जैसे हो, start करो, body weight exercise start करो। अगर घर पे dumbbell है तो dumbbell से start करो, है ना? तो वेट करने की जरूरत नहीं, इट्स ऑल अबाउट एक्सरसाइज, इट्स ऑल अबाउट राइट डाइट एंड योर लिविंग स्टाइल। ओके, और बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में फ्यूचर में बात करेंगे, सो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।